एजुकेशनल चैनल, यू आर वॉचिंग अलकलम एजुकेशनल चैनल। गलत वर्ड सब लाभ हो सकता है कि आपको आवाज़ की समझना है। हम लेके आए हैं आपके लिए डेशर्ट फर्स्ट ईयर के 2019 की, जो कि अनाउंस हो चुकी है। तो वही वही आपको बताते हैं, फर्स्ट ईयर का जो पेपर है सबसे पहले आपका 23 को स्टार्ट होना है, ठीक है, 23 और मई के महीने में 19 में। जो बच्चे साइंस वाले FSC उनका पहला पेपर केमिस्ट्री का है, और जो बच्चे ICS के हैं उनका पेपर जो है स्टैटिक्स का है। उसके बाद 24 मई को आईकॉम वाले बच्चे उनका पेपर है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स यानी उर्दू में असूल तजारत, और 25 मई को पेपर है FSC वाले बच्चों का फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, और 27 मई को पेपर है इंग्लिश का। इंग्लिश से मुराद है कंपल्सरी, लाजमी है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स के हो, चाहे वो ICS के हो, चाहे वो आईकॉम के हो, ये इंग्लिश का सब्जेक्ट सबका एक ही पेपर वाले दिन होना है। 29 को है अकाउंटिंग, ठीक है, ये भी आईकॉम वाले बच्चों का है, ठीक है। 30 मई को पेपर होना है, जिन लोगों ने मैथ रखा हो उनको मैथ का देंगे, और जिन्होंने बायो रखी है वो बायो का देंगे, ठीक है। 31 मई को पेपर है इस्लामियत कंपल्सरी यानी लाजमी हर सब्जेक्ट का, जो हर बच्चे देंगे। 1 को आपके पास उर्दू का पेपर है, उसके बाद है 1 जून को आपके पास उर्दू का पेपर है, वो भी है लाजमी। 3 मई को पेपर है इकनॉमिक्स है, ये इकनॉमिक्स जो है ये ICS वाले बच्चों की है, ठीक है। 10 जून को जो पेपर है वो है बिजनेस मैथ का। 11 जो है इसके बाद जून को है कंप्यूटर का, ये भी ICS वाले बच्चों का है, और 12 मई को प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो ये डेट अनाउंस हो चुकी है, और ये रबर बोर्ड की है, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं इसको स्लो स्लो करके, ठीक है। तो ये पेपर आ गए हैं, तो तैयारी स्टार्ट करते हैं, और आपके जहन में बैठ के होगा कौन सा पेपर किस दिन होना है, तो बच्चे ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे हैं। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि ये मेरे पास जो टी शर्ट है ये किसकी है, ये है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड ईयर की टी शर्ट के साथ। सेकेंड ईयर के एग्जाम्स पहले स्टार्ट हो रहे हैं, वो है 7 मई से स्टार्ट हो रहे हैं 7 मई को। जो बच्चे FSC के उनका पहला पेपर केमिस्ट्री का है, और जो ICS के बच्चे हैं उनका पहला पेपर स्टैटिक्स का है, ठीक है। 8 मई को पेपर है प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग का, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग का, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनका फिजिक्स का है जिन्होंने रखी हुई है। 9 मई को पेपर है उर्दू का यानी लाजमी का, ठीक है, और 10 मई को पेपर है कंप्यूटर का ICS वालों का, ठीक। 11 मई को पेपर है फिजिक्स का FSC वालों का, और 13 मई को इंग्लिश और कंपल्सरी यानी सारे बच्चों का है। उसके बाद 15 मई को पेपर है इकनॉमिक्स का, ये जो इकनॉमिक्स है ये किसकी है, ये ICS वालों की है, ठीक है। और 16 मई को पेपर है मैथ का, जिन्होंने मैथ रखा वो मैथ का देंगे, जिन्होंने बायो रखी वो मैथ बायो का देंगे। 17 मई को आपके पास है बिजनेस स्टैटिक्स का आईकॉम वालों का, और अरबिक है जिन्होंने आर्ट्स की ली है। 18 मई को पेपर है अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का आईकॉम वालों का, और इस्लामिक इलेक्टिव है जिन्होंने आर्ट्स पर की ली है। 20 मई को आपका पार्क स्टडी का है, और 21 मई को आपका कमर्शियल जियोग्राफिया का है, ठीक है। तो आपको डेट शीट अब नज़र अच्छी तरह से आ रही है, तो उसको देख ले और तैयारी अपनी स्टार्ट करना शुरू कर दे। बाकी सिर्फ एक माह का रह गया है, साथ साथ इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर इंशाल्लाह आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। सिर्फ आप लोग ये करना है कि हमारी वीडियोज़ को देखना है शुरू से लेकर आखिर तक है, क्योंकि वीडियोज़ के बीच में हम ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताते हैं, इसलिए उसे डाउनलोड ना कीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड ना करिए, डायरेक्ट ही देखिए, क्योंकि हर वक्त मौजूद होती है। डाउनलोड करके आप अपनी MB को फजूल में ज़ाया करेंगे, उससे बेहतर है कि उसको आप देख के वॉच करें, सीखें, क्योंकि आप जब भी देखेंगे इसके साथ हमारी प्ले भी लिस्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, हमारे चैनल को अगर लाइक पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करना है आप लोगों ने, नीचे देखिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हमारे साथ साफ इसलिए नहीं आई क्योंकि थोड़ा सा गला खराब हुआ है, तो और इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।